क्यों घट रहे हैं एसटी बस के यात्री? महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट क्यों चल रहा है घाटे में? पुराने बसेस और पर्यायी व्यवस्था की वजह से यात्रियों की घटती संख्या। महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों को जोड़ने का काम महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी कि एसटी बसेस सालों से करती आ रही है, लेकिन आधुनिक दौर में और रफ्तार वाले आज के दौर में पुरानी एसटी बसेस ज्यादातर यात्री सफर नहीं करना चाहते। भविष्य में राज्य सरकार आधुनिक टेक्निक से लेस इलेक्ट्रॉनिक बसेस, हाइब्रिड बसेस और आलीशान बसेस जरूर लाने की सोच रही है, लेकिन फिलहाल अभी के बसों को काफी मरम्मत की जरूरत है। कोरोना काल में जिस तरह से एसटी बसेस की मांग बढ़ी, उसी तरह आज एसटी बसेस की उतनी मांग अब नहीं दिख रही है। कोरोना काल में जिस तरह से एसटी बसेस की मांग बढ़ी, आज उसी तरीके से एसटी बसेस की मांग घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें एसटी बसेस की तो हिरकणी, सिवनेरी, शिवशाही जैसे आलीशान बसेस तो महामंडल के पास है, लेकिन उनकी संख्या कम है। कयास है कि आने वाले गणेश उत्सव में एसटी की मांग फिर से बढ़ सकती है, लेकिन तब तक एसटी महामंडल ने अपने बसों की मरम्मत करने के लिए कुछ न कुछ उपाय योजना तो जरूर करनी चाहिए, जिस वजह से एक बार फिर एसटी बसेस के यात्री दोबारा सरकारी बसेस का इस्तेमाल करते दिखाई दे। कुछ ही महीने पहले हुए एसटी कर्मचारी आंदोलन का भी बड़ा असर यात्रियों पे हुआ था, और इसी वजह से भर भर के यात्रियों को कम पैसे में ले जाने वाली एसटी बस आज खुद घाटे में चलती हुई दिखाई दे रही है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता सुरेंद्र जोटिंगे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सड़कों का और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो एसटी, एसटी यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त बोरोली एसटी डिपो पे हूँ और यहाँ पे अगर आप बसों की संख्या देखें तो थोड़ी सी कम है। इसके पीछे की वजह है कि यात्रियों की संख्या लगातार जो है एसटी की कम हो जाए, उसके पीछे बहुत सारे वजह बताई जा रही है। एक तो पर्याय व्यवस्था, दूसरा जिस तरह की एसटी की अगर आप बसें देखेंगे तो बसें की जो हालत है, जिस तरह से मरम्मत की उन्हें साफ जरूरत है लेकिन जिस तरह से मरम्मत नहीं हो पा रही, या कैटेगरी अगर देखें शिवशाही वहाँ पे कम है, शिवनेरी जो बस है मेरे पीछे खड़ी है वो कम है, और जो नॉर्मल बसेस है वो ज्यादा है। इसलिए जो प्रवासी है इस बस से जाना फिलहाल के लिए पसंद नहीं करे। हम आशा करते हैं कि जब गणपति आएगा, गणपति में बहुत सारे लोग कोकण जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तब एसटी को अच्छे दिन आएंगे, प्रवासी बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यात्रियों की संख्या कम है। मैं सुनील सोटिंगे, मेट्रो मुंबई न्यूज के लिए। खबरों का सहनशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।